हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। टाइमलेस सेटिंग है, जब आप इसे देख रहे हो तभी से आप सारा सुनीट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके शास्त्र के किस जेंडर के, अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मीन सेटिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो रेडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम जय सियाराम। फर्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट नंबर 7। ओके, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लिब्रा यहाँ पे कोई स्ट्रांगली हो सकता है। नंबर 7, ओके, अभी क्लैरिफाई करना पड़ेगा ये चैरियट की एनर्जी क्या है। ओके, मैंने डेक शायद उल्टा पकड़ रखा है, डेक उल्टी थी, कोई बात नहीं। अभी हेरोफेंट के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, अच्छा ये बात है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। देखिए, आपके पर्सन सडन आपके टूवर्ड्स को एक्शन ले सकते हैं। सडन इनकी तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और इनकी तरफ से जो एक्शन होगा वो सडन होगा। ऐसा नहीं है कि प्लान करके आएंगे, इनका दिमाग घुमा, इनकी सटकी और इन्होंने आपको टेक्स्ट कर दिया, कॉल कर दिया। यहाँ पर आपके पर्सन देखिए आपसे बात करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिव मैसेज आ रहा है जो मैं आप लोगों को ज़रूर सेंड करूँगी। वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे लिटरली ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम मुँह लटका के, आई एम सो सॉरी, आई कांट गिव यू अ कमिटमेंट, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आई एम सो सॉरी, मुझे समझो, मैं मजबूर हूँ, आई एम सो हेल्पलेस राइट नाउ। सो ऐसी बातें जो नेगेटिव बातें ये कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अपनी मजबूरी आपको दिखा सकते हैं कि भाई देखो आप जो चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता तुम्हें, ठीक है। ये देखिए करंट एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो एनर्जी है ये ऐसी ही रहेगी, उसमें चेंज आ सकता है, बट हाँ आपसे कुछ ऐसी बातें ये कह सकते हैं जहाँ ये अपनी मजबूरी आपको दिखा सकते हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली थर्ड पार्टी आ गई है और आपके पर्सन अभी भी जगलिंग कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है गाइस। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन उस मैरिज से मूव ऑन करना चाहते हैं, वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो उस मैरिज से बाहर निकले, आपके टूवर्ड्स आए। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो नंबर 8, जुलाई फरवरी मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को एंड करना चाहते हैं, उस मैरिज को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है ये सेल्फिश होने के बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी खुशी बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सेल्फिश कभी थी ही नहीं। वैसे हाँ, करंटली एज ऑफ नाउ आपके पर्सन सेल्फिश होना चाहते हैं, अपने बारे में सोचना चाहते हैं। देखिए ऐसा था कि पास्ट में ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, अब इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये खुद हैं, ठीक है, इनकी खुशियाँ हैं और अब ये अपनी खुशियों को फॉलो करना चाहते हैं, ये अपने मन को फॉलो करना चाहते हैं। इनका मन कहता है चल, क्या दिल कहता है चल उनसे मिल, आपसे मिलने के लिए। तो ये थर्ड पार्टी को एक पल के लिए, देखिए जगलिंग रहेगी, जगलिंग स्टिल इनकी चल रही है, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले। देखो तो सही टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को कैसे मतलब बैलेंस करके चल रहे हैं ना, लेकिन लवर्स का कार्ड है, आप लोगों का प्रेम अमर था, अमर है और अमर रहेगा। ये जो कनेक्शन है ये सोल का कनेक्शन है, ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है, इस कनेक्शन को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, ये कनेक्शन आत्माओं का बंधन है, ठीक है। एक इंसान की बॉडी को आप सेपरेट कर अलग कर सकते हो, सॉरी, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट, ओके, सेपरेशन, ठीक है, बट क्या आप सोल को एक सोल से डिस्कनेक्ट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। अगर यूनिवर्स ने आप दोनों को एक होने के लिए बनाया है तो नहीं कर पाओगे, कोई पूरी दुनिया का कोई इंसान नहीं कर पाएगा। लवर्स का कार्ड ये आपके ट्विन हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। अगेन मैरिज, गाइज मैरिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे विजिबल हुई है, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिड नहीं है तो मैरिज की बातें चल रही हैं और ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी विद द फोर ऑफ वांड्स, अगेन
स्टकनेस को फील कर पा रहे हैं, जहाँ कहीं भी ये मैरिज में फंसे हुए हैं वहाँ इनको ऐसा लगता है कि ये वहाँ अटक के रह गए हैं, ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जस्ट पीछे जाने के बारे में कौन सोचता होगा। खैर, आगे तो बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो आपके जो पर्सन हैं ये उस मैरिज से या उस मैरिज वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन की एनर्जी है, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है गाइस, मतलब निकले तो निकले कैसे, ये इनको कन्फ्यूज़न इस बात का है कि ये किस तरीके से उस मैरिज से निकल सकते हैं। ओके, नंबर नाइन, नंबर सेवन, सेवन ट्वाइस आया, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है फॉर श्योर। टेन ऑफ कप्स अगेन मैरिज, ये मैरिज का क्या पंगा है भाई। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर नाइन, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अभी मुझे ये देखना है, एक फियर है आपके पर्सन के अंदर, वो फियर क्या है, लेट मी चेक, ये फियर क्या है राम जी। हे राम जी, ये तो एट एट ट्वाइस आया है, थ्राइस आया है, ट्वाइस नहीं, स्ट्रेंथ का कार्ड भी था। अगेन जगलिंग, अब मैं क्या ही बोलूँ, नहीं बोलना तो पड़ेगा, बोलूँगी मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि आप सुनने के लिए तो बैठे हो। चलो मैं सुनाती हूँ आपको दो चार, मेरा मतलब है मैसेज बताती हूँ। आपके पर्सन को एक फियर है, वो फियर अगेन यही फियर है कि ये कैसे मूव ऑन कर पाएंगे, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहे, अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड गाइस। अब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और मुझे यहाँ पे बात करने से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है जैसे कि आपको कन्विंस करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, कन्विंस करना चाहते हैं कि भाई देखो मैं थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकता उसके, देखो आप ही कन्फ्यूज़ नहीं है, थोड़ी सी मैं भी कन्फ्यूज़ हो गई थी लेकिन अब मुझे क्लियर हो गई पिक्चर पूरी की पूरी। आपके जो पर्सन हैं ये उस जिम्मेदारी को दुनिया के सामने निभाना चाहते हैं, इनका दिमाग ये कहता है कि दुनिया की नज़रों में निभाना पड़ेगा, लेकिन दिल ये कहता है कि थर्ड पार्टी एक तरफ से कट आउट करो, उसको निकलो, मुझे मेरे पार्टनर को चूज़ करना है, मुझे मेरे लव को चूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, लेट मी चेक, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है, आप हो या थर्ड पार्टी है, मुझे ये देखना है क्योंकि साथ में मून की एनर्जी है जो कि डिप्रेशन को बताती है, स्ट्रेस को बताती है, स्ट्रेस कौन दे रहा है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अलावा इतना स्ट्रेस दे कौन सकता है, ये कोई लेडी हो सकती है, स्ट्रांगली कोई लेडी है जो कंट्रोलिंग नेचर की है, जो आपके पर्सन को कंट्रोल में करना चाहती है, जो अभी तक कंट्रोल में करती आई है और आगे भी चाहती है कि आपके पर्सन उनके अकॉर्डिंग चले। लेकिन अगेन मैं बता दूँ, बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इसी लेडी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, उसी से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये इनकी वाइफ हो सकती है, बट हाँ ये थर्ड पार्टी फॉर श्योर है। और मैरिज तो भाई, मैरिज से तो रिलेटेड कुछ तो है, आप दोनों के बीच कुछ तो है मैरिज से रिलेटेड जो आपको अच्छे से पता है। मून की एनर्जी है डिसेप्शन को बताती है, मून की एनर्जी है जो कि बताती है आपके पर्सन आप एक फेस सॉरी फेक मास्क पहने हुए हैं, ये अपने इमोशंस आपको नहीं बता रही, ये बहुत से फियर से गुजर रहे हैं, ये बहुत से इमोशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे है, बट आपको नहीं दिखाना चाह रहे, ये नहीं बताना चाहते कि ये किस दौर से गुजर रहे हैं, इन पर क्या बीत रही है, सो ये नहीं बताना चाहते। अपनी आप बीती नहीं, आप बीती नहीं, खुद बीती, खुद पे बीती। हाँ, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को बता रहा है, आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील कर पाते हैं जो आज से पहले इन्होंने, वैसे आपने ये लाइन कई बार सुन ली है, चलो इस लाइन को चेंज करते हैं, आपके साथ ऐसा कनेक्शन फील कर पाते हैं जो सिर्फ आप ही के साथ इन्होंने फील किया है। आपको ऐसा, आपसे मिलने के बाद इनको ऐसा लगता है कि ये आपको जन्मों जन्मों से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई किया कि अगेन हे राम जी, ये एट ऑफ कप्स तो पीछे नहीं छोड़ रहा, डेफिनेटली गाइस अगेन मैरिज, मैं क्या बोलूँ, ये क्या है भाई मैरिज का पंगा, आपको पता है क्या। बहुत ही स्पेसिफिक मेरे व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो वो उस मैरिज से फेडअप हो चुके हैं, उस अपने पार्टनर से फेडअप हो चुके हैं और ये उनको चीट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, मेरे कम ही व्यूवर्स से रेजोनेट होगा। ये सेल्फिश होना चाहते हैं, ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं, ये वहाँ से ऐसे समझो खुद को डिसकनेक्ट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगेन मैं बता दूँ,
भले ही आपको कमिटमेंट ना दे, लेकिन हाँ ये एज ऑफ नाउ इनको अगर कहीं दिख रहा है कोई कुछ, कहते हैं ना हर जगह बस दिखे तू, इनके तो दिल का काम तमाम है, तो वो आप हो, ठीक है, इनको हर जगह सिर्फ आप दिख रहे हो। डोंट ब्लेम मी, आपको इनको ब्लेम नहीं करना है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको ब्लेम करते रहते हो, दिस इज़ नॉट फेयर। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, क्या कहा था मैंने, आप इनकी फर्स्ट और लास्ट विश है। प्लीज़ गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट है सीक्रेट्स एंड लाइज। ओके भाई, कुछ तो झूठ आपसे भी बोले जा रहे हैं, सेल्फिश हो गए ना, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दे रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड, ये रूड होना नहीं चाहते लेकिन आप इनको मजबूर कर देते हो, ये बड़े इनोसेंट है लेकिन आप करते हो मजबूर इनको। हेल्प अदर्स, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि कुछ लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं, सो प्लीज़ उन पर भी ध्यान दीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। मूव ऑन, बस इससे कन्फर्मेशन की ज़रूरत थी हमें, आपके पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं से मूव ऑन करके आपकी तरफ आ रहे हैं। अब समझ में आ गया, आपसे मूव ऑन नहीं कर रहे, कांट लेट यू गो, आपको तो जाने नहीं दे सकते, इसका मतलब मूव ऑन कहीं और से करके आ रहे हैं, ये कन्फर्मेशन है। आई एम अनहैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस, ये बिल्कुल खुश नहीं है आपसे अलग होके, इस वक्त आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी सिचुएशन है उससे बिल्कुल खुश नहीं है। थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर, फिर से इनका टाइम आएगा और ये आपके करीब होंगे, और वो टाइम आपका भी होगा, आपका भी टाइम आएगा जब आप इनके करीब होंगे। ओके, नेक्स्ट है हाइडिंग रियल इमोशंस। एज आई सेड, अपने रियल इमोशंस, ये इमोशनल हो रखे हैं इस वक्त, अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं आपसे। देखिए सॉन्ग भी आ गया ऐसा ही, बिन तेरे कोई खालिश है हवाओं में बिन तेरे। डिसेप्शन विद द मून की एनर्जी थी ना, डिसेप्शन वाली, हाइड कर रहे हैं अपनी रियल इमोशंस, हाइड कर रहे हैं आपसे। आई नेवर इंटेंड टू हर्ट यू, इनका कभी इंटेंशन नहीं, इन्होंने इंटेंशनली आपको कभी हर्ट नहीं किया, बस वही है मे बी इनकी मजबूरी रही, मे बी गलती से हो गया, बाय मिस्टेक, बाय चांस हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइज, अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय कार्ड्स के। ओके, आज कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, कभी मोर बोल रहे हैं, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी गाड़ी वाला पी कर रहा है, चलो जाने दो। माउंटेंस का कार्ड है, फाइंड रिलैक्सेशन, ये बताता है आपको आपके बाबू सोना के मैसेजेस से ज़्यादा, आपको लव से ज़्यादा आपको ज़रूरत है हीलिंग की, आपको खुद को हील करना है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है मेरे यूनिवर्स के लिए जो सनराइज होने के बाद उठते हैं, तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मैसेज पे कहा, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इतनी जल्दी उठें कि सन जब राइज होता है तब आप उसको देखें, ठीक है, सूर्य भगवान जब निकलते हैं तब आपको उनको देखना है, ठीक है, वो भी आपका एक हीलिंग का प्रोसेस रहेगा। और एडवेंचर, देखिए आप घूमने जा सकते हैं कहीं ग्रीनरी में, ठीक है। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, ओके, आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ रहे हैं इस वक्त, जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक प्रोसेस है, आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ, ओवरऑल लाइफ और आप चेंज हो रहे हैं। देखिए यूनिवर्स लिटरली आपसे ये कहना चाह रही है कि प्लीज़ पहले आप अपने हीलिंग पे फोकस कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें खुद को ही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए होता है, हम अपने बाबू सोना के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि उस वक्त हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, उस वक्त हमें अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम किसी और के पीछे भाग रहे होते हैं। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमें पता होता है कि मेरे पार्टनर की ज़रूरत क्या है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत क्या है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत को भूल जाते हैं, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी सोल की रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट टाइम में क्या है। सो प्लीज़ सबसे पहले खुद को रखिए, दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव, खुद को रखिए, अपनी सोल को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है उसका ध्यान रखिए, आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है उसका ध्यान रखिए।
बाबू शोना अपने आप कर लेंगे, क्या किया नहीं है उन्होंने, एक नंबर के सेल्फिश, वो तो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो सीखो, आपके बाबू शोना से भी ये बात सीखो कि कभी 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 कभार सेल्फिश होना भी अच्छा होता है। सो कभी कभार हो जाओ ताकि आपकी सोल का भी भला हो, ताकि आपकी बॉडी का भी भला हो। सो गाइस ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किए, रेजोनेट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक कर अपना ख्याल रखें, जय सियाराम।